तेरी सरकार टुर दे अबू जाल भी हवेली च टुर गए, अबू जाल भी बैठा है, मक्के दे बड़े बड़े सरदार बैठे ने, जे तू मेरी सरकार ने पहला कदम अबू जाल दी हवेली विच रखिया, मेर साहब तवजो जबरील ने एज अबू जाल दा कन पकड़ के खड़ा कर दिता, जदू अबू जाल खड़ा हो गया सारा मक्का ही खड़ा हो गया, सारा मक्का ही खड़ा हो गया। मेरी सरकार टुर दे अपने मिंबर ते आके बह गए ने, अपनी मसनत ते आके बह गए ने। मेरी सरकार ने फरमाया ओए लोगों बह जावो सारे ही बह गए ने, अबू जाल अजे भी खड़ा है, ओ क्यों नहीं पैंदा, ओदा कन जिबरील ने फड़िया होया। बिलाल ने वेख्या ते ओ भी फिदा, हाय हाय हाय, यासर बिन अमार ने वेख्या ते ओ भी फिदा। उस दिन ते भाई एहसान साहब अबू जाल ते बुलाबर ने लक ही टुट गया, जिस दिन हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया। हैं परेशान हो गए, करिए उन्हें मीटिंग बुलाई रल के, उन्हें कहा कोई बंदा लभो यार जिहड़ा मुहम्मद का सामना करे, जिहड़ा उहदे मुख वल वेंदा वे वह भी कलमा पढ़ जांदा वे, जिहदे वल सोहना वेंदा है वह भी कलमा ही पढ़ जांदा है, ते करिए ते की करिए। उन्हें कहा भी कोई बंदा ऐसा नहीं, उमर नूं कल्लिया वह भी उहदा, वो बोल छोड़ो यार सुभान अल्लाह, कम से कम पिछले बंदे हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। उमर नु कल्या वह भी होता, बिलाल भी होता, सारे होते, उन्हें कला मसा करिए तो की करिए। उन्हें एक बंदे ने आखिया मेरे ओए 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 अबू जाला तेरा एक यार है बड़ा, जिहड़ा यमन च रहिंदा ना उहदा हबीब है, उहनू बुला, रातों रात खत लिखिया हबीब आ गया, मैं गल मक्के आ गया। उन्हें कहा इधर आओ भाई तेनू तां बुलाया है, यह क्यों बुलाया है? उन्हें कहा साडा एक भतीजा है ते ना उहदा है मुहम्मद, हाय साढ़े बच्ची जमया पलिया, तो जनाब अज 40 साल तो बाद अजीब ही गल्ला करता है, कहिंदा मैं अल्लाह का आखिरी नबी हाँ, तो नाले कहिंदा है ए जिहड़े काबे के अंदर 360 बुत ने ना, ये कोई नहीं, कहिंदा इको ही खुदा वे। फिर अजीब गल करता है, कहिंदा असा सारे ने मर जाना है, मरण तो बाद दोबारा उठना है, उठ के रब के सामने आना वे। ओ हबीबे यमनी तू ही दस, जदू बंदा मर गया तू जनाबे जिंदा किवें होएगा? हबीबे यमनी है तो काफर उस वेले है, पर कहिंदा यार जिहड़ा रब पहले बना सकते हैं वो दूजी बारी नहीं बना सकता, मैनू नहीं पता तुसा यार की लैना है। हजरात तवज्जो, उन्हें कहा जरा पहला बना सकता है वो दूजी बारी नहीं बना सकता। हाजरी ने मोतशम, उन्हें कहा भी मैनू कद नहीं बुलाया ही? उन्हें कहा साडी चुदराहट पै गई है खतरे च, सारा मक्का मुहम्मद दे गुलाम होई जा रहा है, ओ जिहड़ा रेड़ी लांदा है वह भी ओहदी नाता पढ़दा है। ओ बोलो तुसी सुभान अल्लाह यार, जरा दुकान खोलता मेहर साहब वो भी ओदी नाता पढ़ता है, तो करिए तो की करिए। उन्हें कह चलो कोई गल नहीं, तू परेशान ना होवो, तुहाडी चौधराहट नहीं जाती। उन्हें कहा की करेगा? कहिंदा मैं मुहम्मद की नबज वेखांगा, बाँह फड़ांगा। सियालकोट में रहन वाले हो, ग्रीन टाउन रहन वाले हो, जुमला इतना बड़ा है कि मां ताज हो जाएगा। अबू जाल ने रौला पा दिता, कहिंदे ना अज हाथ विखाओ तो कहो जरा सुभान अल्लाह। कहिंदा ना ओदा बाजू नहीं पकड़ना, ओदा बाजू पकड़िए गल मुक जांदी है। हबीबे यमनी कहंदा वजह की है? कहंदा जेड़ा मुहम्मद दा हाथ फड़दा है, मुहम्मद ओदा हाथ पकड़ के रब दे हत्थां विच फड़ा देंदा। कहंदा हाथ नहीं फड़ना, गल मुक जांदी है। यमनी कहना परेशान ना हो, मैं मुहम्मद दिया अखां दा नूर वेखांगा। बुजुर्गां दी तवज्जो, कहना चलो जे तुसी हाथ नहीं पकड़न दे ते मैं मुहम्मद दियां अखां दा नूर वेखांगा। ओदी अखां दी रंगत वेख के ना, रंगत वेख के बड़ी तवज्जो, रंगत वेख के दस दवांगा की मरज है की तकलीफ है। अबू जाल ने फिर रौला पा दिता, कहंदा ना
जिन्हें सरकार का दीदार करना है ना हर बंद दिल से तलब है जरा ध्यान न मेरी गल सुने तो इंशाला ईमान ताजा हो जाएगा है कहते ना सोने दियां अखां वल नहीं वेखना ओदियां अखां वल वेखिए ते गल ही मुक जांदी है उन्हें क्या वजह की है कहिंदा बिलाल ओदियां अखां विच अखां पाई बैठा सारे वालो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बिलाल ओदियां अखां विच अखां पाई बैठा है असीं मार मार के थक जाने थकदाई कोई नहीं असी कहने ओ बिलाल तेरी हड्डी दा बनिया असी थक जाने तू थकदाई कोई नहीं ते बिलाल कहने सालमा जरा कन करीब कर उन कन करीब किता बिलाल कहने तेनू इश्क दिया रमजा दा पता ही कोई नहीं रमजाना पता ही कोई नहीं जो तू मेनू घोड़ा मारना है मैं अख बंद करना वा मुहम्मद का नाम ले जाना भाई मुहम्मद 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 का फैज जुमला इतना बड़ा है कि हर बंदे दा ईमान ताज़ा वत मैं जिम्मेदार हाँ बिलाल कहंदा तेनू इश्क दे दस्तूरां दा नहीं पता तेनू इश्क दी रमज दा नहीं पता ते जे मेरे बुजुर्ग दी इजाजत होवे ते फिर मैं किता ना कह दूं हाँ बई इंज ते फिर बंदा आंदा वी रहण दो जरा हाथ उठा के कहो ना सुभान अल्लाह लो जी ये मैं अपनी गल कह रहा हूँ भाई सान साहब किसे बुजुर्ग ने एवं नहीं आख्या इश्क मुश्क वांगू छुपिया अज जो टाइम है ना उस टाइम के मुताबिक राग भी यही है इश्क मुश्क वांगू छुपिया नहीं रहता अल्लाह पाक ने इश्क नू अल्लाह पाक ने इश्क नू तौफीक बख्शी नेजे उत्ते हाथ उठा के नेजे उत्ते कुरान ए सुना देंदे अथरू निकले जे कर आशका दा अकमल रब दा भी अरश हला देंदे बिलाल कहंदे ने ओ बिलाल कहंदे ने जालिमा तेनू ते इश्क दे दस्तूरां दा पता ही कोई नहीं तेनू पता वे जदों तू मैनू मारना है मैं अखां बंद कर लैना वा अखां बंद कर लैना वा पर तेनू पता ही कोई नहीं जदों आशिक अख बंद करदा है सामने मशूक आ जांदा है
मोहिब जदू मोहिब अख बंद करदा सामने मशूक आ जांदा जदू तालब अख बंद करदा सामने मतलूब आ जांदा ओए सालमा जदू बिलाल अख बंद करदा सामने रब दा रसूल आ जांदा कल लंबी ना हो जाए कल लंबी ना हो जाए ना कहते उन्हें क्या फिर उन्हें क्या उदी अखा वाल नहीं देखना बिलाल उदी अखा च अखा पाई बैठा ही बिलाल दे जिदो अखा वाल वेन नहीं सामने मुहम्मद ही नजर होंदा है और मैं गल खत्म कर रहा उन्हें क्या फिर करेंगा ते की करेंगा उन्हें क्या फिर की करांगा मैं मुहम्मद दे जिसम दी खुशबू सूंघ लांगा मैं बहुत बड़ा हकीम हाँ कई ऐसे हकीम होए ने वो बंदियां दी कमीजा में एक दस दिन सा सूंघ के की उन्हें क्या मैं उसके जिसम की खुशबू सूंघागा अबू जाल ने फिर रौला पा दिया उन्हें क्या ना ना ओदे जिसम की खुशबू नहीं सूंघनी वो जड़ी गली चु गुजर जांदा वे कई कई महीने खुशबूआं दे हुल्ले आंदे रहंदे मेरे बुजुर्ग बैठे ने एक बाबा ना एक बाबा मेरे नबी को आ गया कहता यार रसूल अल्लाह मदीने दी माहिया मेरी बेटी दी शादी है जरा मेरे वेखना यार मदीने दी माहिया मेरी बेटी दी शादी है एक तोहफा दे ना मैं लोगों को कहने वाला बना तो देखो मैं नबिया के सरदार ने मेरी बेटी लिए तोहफा दिता है गर्मी का आलम है उसने मेरे नबी ने फरमाया गुलामा आओ सामने खजूर की एक टहनी ला के लिया टहनी लिया फिर मैं एक बोतल ला के लिया एक बोतल आँदी मेरी सरकार ने अपने बाजू मुबारक तो लामा साहब पसीना उतारिया तो बोतल में पा दिता फरमाया ए मुहम्मद का पसीना तोहफा समझ के लै जा जेड़े दिन तेरी बेटी की शादी हो मुहम्मद का पसीना ला दें अल्लाह करम कर देगा ओए नौजवानों मैं तुहाडे नाल मुखातब हाँ मेरे बुजुर्ग ते मेरे ते राजी ने मैं तुहाडे नाल मुखातब हाँ कि खुशबू लवो तो इहो जिही लवो जिहड़ी कम भी आवे हैं हुण उस गुलाम ने बाबे ने ना इंज खुशबू पसीने की शीशी भरी ते घर लै गए ते जिहड़े दिन शादी का दिहाड़ा आया ना उन्हें अपनी बेटी नूं सरकार का पसीना लगाया अपने दमाद नूं भी सरकार का पसीना लगाया है ते लोग उन्हां दे घर वाले इशारे करके कहंदे ने लोगों ओ वेखो खुशबू वालियां दा घर हाथ उठा के बोलो खुशबू वालियां दा घर अजे सारे ने हाथ उठा रहे खुशबू वालियां दा घर वजह की उस दुल्हन दे विचों ही मुहम्मद दी खुशबू आउंदी है उस दूल्हे दे विचों ही मुहम्मद दी खुशबू आउंदी है जेड़ी कियामत तक औलाद जमदे रहणगे उस औलाद विचों भी मुहम्मद दी खुशबू आउंदी आओ आवाज अपने बच्चियां ते इश्क मुहम्मद दा रंग चढ़ा दो रब्बे काबा दी कसम ते कब्र च भी चला जाएंगा ते मगरू मिलाद हुंदा रहा सरकार दी नाज पढ़दी गई हजरात जुमला मैं फाइनल कह के गल अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा उन्हें कहा भाई ओए मन्नू तू ना ओदे अख वाल वेखण देना है ना हाथ पकड़न देना है ना खुशबू सूंघण देना है ते फिर मैनू एडी दूर कादे लई बुलाया रिजल्ट लाजो भाई जाके जरा हाथ उठा के जरा बोलो सुभान अल्लाह ए हुन रिजल्ट नहीं लंगर पक्या होना माशाल्लाह क्यों जी लंगर पकाया बोलो यार सुभान अल्लाह आंदे पर जेड़ा लंगर तानू हुन मैं दे लंगा वना हाय 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 टाइम बस मेरा मुक गया वजो जेड़ा हुन तानू लंगर मैं दे लंगा ना दी क्या बात है हाँ हाँ उन्हें आख्या जी भाई तवजो यार तवजो तवजो उन्हें कहा बई हूँ ना तू मैं वह हाथ पकड़ देना है ना अख वाल वेखन देना है ना तू गल कर देना है ना खुशबू सूंघ देना है किसी नाल दे ने आख्या मैर वर्गे ने आख्या ओ अबू जाल ओ जालमा एडी दूर बुलाया तो कुछ कर दे कुछ उन्हें कहा चलो ठीक है चल भी ठीक है भी आ मेरी हवेली बह तो मैं मुहम्मद अपनी हवेली बुला लेना
ਉਹ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਹੈ ਉਧਰ ਮੱਕੇ ਚ ਕਿਬਲਾ ਢੋਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਯਾਰ ਮੌਲਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਅਬੂ ਜਾਲ ਬਜਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਚੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ ਆਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੰਜ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਓਹੋ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਏ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੋਹਣੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਯਦੁੱਲਾਹ ਫੌਕਾ ਆਈਦੀ ਹੱਥ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ਾਗ ਡੋਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾਇਆ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਜਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਏ ਮੱਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉੱਠਣਾ ਵੇ ਭਾਈ ਅਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਜੀ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆਵੇ ਨਾ ਕੰਨੂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁਰਦੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਟੁਰ ਗਏ ਅਬੂ ਜਾਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤਵਜੋ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਐਂਜ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦਾ ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਜਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮੱਕਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਨਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓਏ ਲੋਗੋ ਬਹਿ ਜਾਵੋ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਇਹਦਾ ਕੰਨ ਛੋੜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਛੋੜਿਆ ਅਬੂ ਜਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅਬੂ ਜਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਇਆ
लग आई नहीं मेरे नाल बनया की मैनू पता लग गया ही नहीं मेरे नाल अलमुक्त सर हबीबे जमनी ने मेरे नबी दे सामने जे ग्रीन टाउन विच रहण वाले जुगला बड़ा मैं बोला ना बड़ा उन्हें जदों मेरी सरकार दा चेहरा वेख्या ना दिल ते उदों ईमान वाला हो गया हैं ओ जे ओ हजरत यूसुफ नूं वेखण औरतां उंगलियां कट लैन ते जेड़ा मेरे सोने नूं वेखे ओ बोल छोड़ो यार सुभान अल्लाह अलमुक्तसर दिल तो दा ईमान मुसलमान हो गया किताबां गवाने तो जो हाथ जोड़ के कहने कमली वाले आ ए मदीने दिया ताजदारा मैनू लोगां बुलाया तुहाडे वास्ते कुछ तुहानूं कहंदे ने जादूगर कुछ तुहानूं कहंदे ने कुछ ते कुछ कुछ ते जे तुसीं अल्लाह दे सच्चे नबी हो ते कोई मौजज़ा विखा लो हाय 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 मुक्क मौजज़ा विखा लो मेरी सरकार ने फरमाया मंग मौजज़ा केड़ा मंगणा जाके बहना जाके पूरी फिजिकली हार्टली मैंटली तवज्जो मेरे वाल होवे ते फिर जुमला दिल दी मैमरी च रिसीव होवे ना ते फिर क्या बात है सरकार ने फरमाया मांगो की मंगना है कहंदा सुनया एक कुछ जादूगर कहंदे ने जमीनी मौजदा नहीं रखना जमीन ते जादू चलदा वे आसमाना ते जादू नहीं चलदा मैं की कह गया यार जमीन ते जादू चलदा वे आसमाना ते जादू नहीं चलदा सुनया जे तुसी सच्चे नबी हो ना ओ चन्न नजर आ रहे है उची बोल हाथ उठा के यार सुभान अल्लाह और उची बोला जरा सुभान अल्लाह मौला जी दा हाथ उच्चा होवे आज मौला अली दा दीदार हो जा हाथ उठा के बोल जरा सुभान अल्लाह जबे काबा दी कसम है मेरी सरकार ने फरमाया दस फिर तोड़ दिया ओही अबू कबैस पहाड़ी जाए मैं तफसीला वाके ने पढ़ रहा हजरात वचो तोड़ दिया तोड़ दियो फरमाया अबू जाल वाल देख ले अबू जाल दा मुंह लटक गया उन्हें कहा तेनू की होया इन्हें कह दिता है इन्हें तोड़ देना इन्हें कह दिता है इन्हें तोड़ देना अद्धा चन्न इधर ते अद्धा ओ बोलो यार अद्धा चन्न इधर ते अद्धा इधर देखिया ते कहंदा सोणिया ऐ सवाल तो हो गया हम दूजा सवाल है सवाल भी तुसा ही दसना है ते जवाब भी तुसी ना बोलियो तुसी ना बोलियो मैं की कह गया सवाल भी तुसा दसना ते जवाब भी मेरे नबी ने फरमाया ऐ हबीबे यमनी मैनू पता लग गया है तेरी एक बेटी है जड़ी अखां तू वेख नहीं सकदी पैरा नाल तुर नहीं सकदी जुबान नाल बोल नहीं सकदी कन्ना नाल सुन नहीं सकदी ऐ हबीबे यमनी हुण तेरा सवाल है कि तेरी बच्ची ठीक होनी चाहिदी है मैं अल्लाह दा नबी ऐलान करना जा यमन विच टुरदा अल्लाह ने तेरी बेटी नू शफावां दे दित्तियां ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਓ ਗਰੀਬ ਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਵਜਦਾਨ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਚਾਰੇ ਨੇ ਹਬੀਬੇ ਯਮਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮ ਪਕੜ ਲਏ ਤੇ ਕਦਮ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓ ਹਬੀਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਪੜਨਾ ਵੇ ਹਬੀਬੇ ਯਮਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਮਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਯਮਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਬੀਬੇ ਯਮਨੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ
कोई हाथ थले ना रहे नौजवान का है जिन्हें जिन्हें दीदार करना ना मेरा हाथ उठा के बोलेगा सुनावा की मैं दर्दा दी कहानी या रसूल ला सुनावा की मैं दर्दा खुदा दे वास दे कुछ मेहर पानी या मेरा रिजल्ट जाया करो कि मुझे बड़ा ही दुख रहेगा यार बाबा मैं आ रही हूं जो बाप ने सुनी ना अपनी बेटी की गल काबा की कसम सीना तो उसी फड़क गया ना न चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे नूं पुछो ना जिन्हां ने अपनी बेटियां दी शादियां कीतियां ने जदों जांदे ने जां ओह आउंदियां ने इन्हां नूं पता है कुफियत दा की हुंदी है हबीब दा तसीना उत्ते पज गया ना दरवाजा खुले तां कि पुत्तरे शफावां कित्थों लईयां ने भाई सान साहब ये शफावां कित्थों लईयां ने हाथ जोड़ के कहंदी है बाबा एक दिन अचानक दिन नूं रात हो गई चौदवी रात दा चन वी चढ़ गया मेरे जिस्म ते फेरिया अल्लाह ने शफावां दे दित्तियां ने हबीब कहंदा वे पुत्रा मैं उसे नबी दा कलमा पढ़ के आया वा मैं बड़े भागा वाला वा मैं कलमा पढ़ के आया वा बच्ची कहंदी है बाबा मैं बहुत भागा वाली हां तुसी उत्थे कलमा पढ़ के आया मैनू सोना इत्थे कलमा पढ़ा गया बुजुर्ग बुजुर्गों की अखां च अथरू आ गए ने मैं समझना मेरी हाजरी कबूल हो गई